राष्ट्रीय सेवा योजना शासकीय आदर्श उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसना का 7 दिवसीय विशेष शिविर ग्राम अरिकेल में 24 दिसंबर से 30 दिसंबर तक आयोजित किया गया। इस शिविर अवधि के दौरान परियोजना कार्य किए जाते हैं। परियोजना कार्य का समय सुबह 8 बजे से 11:30 बजे तक रहता है। कुल 5 दिवस में हमारे इन 53 शिविरार्थियों ने इस पचरी का निर्माण किया, जिसमें कुल 14 सीढ़ियाँ हैं और कुल 50 फीट लंबाई की हैं, तो कुल मिलाकर ये 700 फीट लंबाई चौड़ाई की ये पचरी का निर्माण हम लोगों ने किया, जिसकी अनुमानित लागत 1 लाख रुपए के करीब है। और ये राष्ट्रीय स्तर पर अपने आप में एक रिकॉर्ड है, क्योंकि इससे पहले किसी ने सिर्फ 17 घंटे में इतना बड़ा कोई परियोजना कार्य में स्थायी निर्माण नहीं किया है। इससे पूर्व भी हम लोगों ने ग्राम सीतापुर के पिछले वर्ष के शिविर के दौरान 183 फीट लंबी नाली का पक्का निर्माण किया था, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड उपलब्धि रही है। तो सर, जैसा कि आप अभी बता रहे थे कि 1 लाख रुपए की लागत राशि लगी है, तो वो लागत राशि शासन द्वारा दी गई है या? शासन द्वारा हमें कोई राशि प्रदान नहीं की जाती। जो शिविर के लिए निर्धारित राशि आती है 22,500 रुपये, उसमें हमारा सिर्फ शिविर का संयोजन होता है, संचालन होता है। बाकी राशि जो है ग्राम के सहयोग से, सरपंच और ग्राम पंचायत वगैरह के सहयोग से हमें प्राप्त हो जाती है। इसमें हमें मुख्य तौर पर श्रमदान करना होता है, बाकी निर्माण की सामग्री जो है वो हमें उपलब्ध कराई जाती है पंचायत माध्यम से। जी सर, अभी जैसे हमारे साहब बताए कि यहाँ पे पचरे के निर्माण कार्य करें सिर्फ जन सहयोग से और श्रमदान से, तो ऐसे जो छोटे मोटे निर्माण कार्य और आवश्यक चीज है ओला अगर हम मिल करके श्रमदान से बना सके तो हमारे गांव के न सिर्फ एकता पर बल्कि विकास पर भी और जरूरत पर भी और बहुत अच्छा होते। तो ये सब गतिविधि आप मंगला देखे पर मिली हुई हमारे बसना एनएसएस के जो संस्था है वह पहले भी कई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं, से पता लगता है कि वो बहुत ही अच्छे ढंग से कैंप के आयोजन करते हैं। और कठिनाइयाँ ज़्यादा नहीं रही, क्योंकि पचरी निर्माण के लिए आवश्यक सभी सामग्री हमें सरपंच एवं ग्राम में से प्राप्त हो गई और इसके लिए आवश्यक श्रम हमारे साथियों ने और हमने किया। SMDC बसना स्कूल का अध्यक्ष होने के नाते मैंने यहाँ मंच के माध्यम से, जो आज राष्ट्रीय सेवा योजना का समापन दिवस था, यहाँ उपस्थित हुए नवनिर्वाचित विधायक देवेंद्र बहादुर सिंह जी, उनको मैंने हमारे स्कूल में जो अभी अति आवश्यकता है, क्योंकि जैसा कि आप लोगों ने यहाँ जानकारी भी मिली होगी कि 1963 से ये स्कूल संचालित है और उस समय से लेकर के आज तक खपरे के जो बिल्डिंग है ये खपरे में ही बनी हुई है, इसका लेंटरकृत अभी तक नहीं हो पाया है। ये एक बहुत ही निराशा का विषय कहा जा सकता है और इसी विषय को लेकर के मैंने अभी न विधायक जी से मांग रखी है कि हमें एक नव भवन की आवश्यकता है। उसके साथ ही साथ क्योंकि एक बहुउद्देशीय शाला है और यहाँ पर विकासखंड स्तर के जितने भी स्कूल चलते हैं उनके लगभग सभी बड़े कार्यक्रम जो है हमारे स्कूल में आयोजित होते हैं, तो उसको देखते हुए हमारे शाला में त्वरित में एक हमें ऑडिटोरियम हॉल की आवश्यकता है, जिसे मैंने माननीय विधायक जी को कहा है और उन्होंने अपनी सहमति भी दी है कि जैसे ही जो प्रथम बजट आएगा विधानसभा में उसमें इस हमारी मांग को रखा जाएगा और जितनी जल्दी हो सके यह बिल्डिंग हमें मिल जाएगी। पेयजल एवं टॉयलेट के लिए वहाँ अभी नए कुछ टॉयलेट भी बने हैं डॉक्टर साहब से, तो वहाँ भी पानी की व्यवस्था के लिए एक बोर की हमें तुरंत में आवश्यकता है। मैं निवेदन करूँगा कि माननीय विधायक जी आप इस हमारे निवेदन को स्वीकार करें एवं शासन से हमारी इस स्कूल की मांग पूरी करें।